किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि when you will focus on your problem, then your goal will blur. But when you will focus on your goal, then your problem will blur. अगर आप अपनी समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका लक्ष्य जो है वो पूरी तरह से धुंधला हो जाएगा. लेकिन जैसे ही अगर आपने केवल और केवल अपने गोल पर ध्यान दिया तो आपकी जो समस्या है वो अपने आप ही ब्लर हो जाएगी. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान वापिस आ गया हूँ आप लोगों के बीच में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ. आज की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग हर बार की तरह होने वाली है. दरअसल इस कहानी की शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं. इस कहानी की शुरुआत होती है दरअसल एक महात्मा से. दरअसल क्या था, एक बार एक महात्मा थे क्योंकि बहुत ही दिव्य थे, बहुत ही उन्होंने कई सारी तपस्याएं करी थी और बहुत ही दिव्य पर्सन थे. तो वो एक अनजाने गांव में आए थे, वहां पर रहकर कुछ दिनों तक रह रहे थे. तो जैसे सारे गाँव वासियों को पता चला कि भाई एक महात्मा आए हैं, बहुत जाने माने महात्मा हैं, बहुत दिव्य हैं और बहुत सारी तपस्याएं की उन्होंने, बहुत ही जाने माने महात्मा हैं, तो सारे गाँववासी एकत्रित होकर कलेक्ट होकर सब उनके पास गए. गुरुजी, हम सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आए हैं. सभी ने मिलकर कहा कि गुरुजी मेरी ये परेशानी है, गुरुजी मेरी ये परेशानी है, मैं इस चीज से परेशान हूँ, मैं इस चीज से परेशान हूँ. मतलब सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई. लेकिन ताजुब की बात यह कि गुरुजी ने सभी को एक ही सॉल्यूशन बताया. सॉल्यूशन क्या बताया कि भाई सभी को सब एक एक करके आ रहे कि भाई गुरुजी हमारी ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ये प्रॉब्लम है. और तो जो गुरुजी थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सबको एक ही सॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि भाई देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाएगी. बहुत ही जल्दी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. बस अपनी मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, सच्चे मन से काम करो, मन को संयम में रखो, मन को इधर उधर मत भगाओ, अपने मन को काबू में रखो और अपनी मेहनत करो, काम करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी. ऊपर वाले पे विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी. अब सभी लोगों ने इस चीज़ का विश्वास करते हुए कि भाई गुरुजी बहुत जाने माने हैं, महात्मा है, इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, तो उन्होंने सबने विश्वास किया कि हमारी सारी प्रॉब्लम डेफिनेटली दूर हो जाएंगी. सब लोग घर लौट कर वापस आ गए. अब जो गुरुजी थे वो भी कुछ दिनों तक उस गांव में ठहरे थे. कुछ दिन बीते, एक दो महीना, थ्री मंथ्स बीते. आफ्टर थ्री फोर मंथ्स लोगों की परेशानियां हल ही नहीं हो रही. लोग सब परेशान है पहले की तरह, बल्कि और ज्यादा परेशान होने लगे. सभी लोग दोबारा इकट्ठा होकर सभी लोग गुरुजी के पास आए और गुरुजी के पास आके उन्होंने बोला कि गुरुजी आपने तो बोला था कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया. ये तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने के बदले और धीरे धीरे और बढ़ रही हैं. ये तो आप हमारा कुछ ऐसा उपाय बताइए, क्या करें हम लोग. तब जो गुरुजी थे उन्होंने मन में अपने आप से कहा कि भाई मुझे लगता है कि इनको सही तरह से समझाना पड़ेगा. तो गुरुजी चुप थे. गुरुजी ने तब एक ही बात बोली. गुरुजी ने बोला एक काम करो, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी तुम्हारी. कल सभी लोग एक पेड़ बताया, उस पेड़ के नीचे आके कल सभी लोग सुबह सुबह आ जाना वहाँ पे. वहाँ पे जाके, वहाँ पे मैं भी आऊँगा, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी सबकी हल कर दूंगा. अब सारे अगला दिन आया, सभी लोग मॉर्निंग में एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए. गुरुजी भी आए. अब गुरुजी आते सर जैसी बैठे, गुरुजी ने सबसे पहले क्या बोला, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान सुनते रहेगा. गुरुजी ने सबसे पहले एक बहुत ही मजाक किया, एक चुटकुला बोला, बड़ी तेज चुटकुला बोला. और ऐसा चुटकुला सुनकर एक महात्मा के मुँह से पूरी जितनी भी पब्लिक थी वहाँ की, जितने भी गाँव वासी, सब बड़ी तेज हंस पड़े, बहुत तेज से सबने लाते गए. और उसके बाद फिर गुरुजी ने अपना प्रवचन चालू किया, अपना अच्छी अच्छी बातें बताई, ऐसा करना चाहिए जीवन में, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई. लेकिन बीच में उन्होंने फिर से वो जो पहला चुटकुला बोला था उसी को दोबारा रिपीट किया. लेकिन इस बार क्या हुआ, जो पिछली बार सब लोग हंसे थे, लेकिन इस बार वही चुटकुला दोबारा सुनाए, इस बार थोड़े कम लोग हंसे, कुछ लोग किसी के बोला और के, कुछ लोग हंसे. फिर गुरुजी ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा, अच्छी अच्छी बातें बता रहे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सारी चीज अपनी कर रहे. फिर गुरुजी ने क्या किया, वही जो चुटकुला जो सेकंड टाइम रिपीट किया था उसको फिर से थर्ड टाइम रिपीट दोबारा कर दिया, दोबारा बोला. लेकिन इस बार फिर से क्या हुआ, इस बार और एक और चीज हुई, इस बार कोई हंसा ही नहीं उसमें, उस चुटकुले पे कोई हंसा ही नहीं, सब शांत थे क्योंकि दो बार सुन लिया सबने.
तब गुरुजी ने अपनी बात को वहीं स्टॉप किया और स्टॉप करते हुए बोले, और बड़ी तेज मुस्कुराए, पहले तो बहुत तेज से मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि भाई एक बात बताओ आप सभी लोग, जब तुम लोग एक चुटकुले को बार बार सुन के नहीं हंस सकते हो, उस पर हंसी नहीं आ रही, नहीं हंस सकते हो, तो एक ही परेशानियों को बार बार रिपीट कर करके, एक ही परेशान को बार बार याद कर करके क्यों रो रहे हो? अपनी जो परेशानी उसको क्यों रो रहे हो, उससे क्यों रोकर आप आज के कल को क्यों खराब कर रहे हो? कहानी से एक बड़ी अच्छी सीख मिलती है, कहानी का यही एंड होता है। मेन तो मुझे ये जानना है कि गुरु महात्मा जी ने जो होते वो तो बोले, आप लोगों ने क्या सीखा? कहानी से एक बड़ी अच्छी सीख मिलती है। इसमें क्या सीख मिलती है कि भाई चिंता करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि और अपने आप बढ़ जाती हैं। अपने भगवान पर विश्वास करो और ईश्वर पर विश्वास करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो और अपने आप पर विश्वास करो, तब आपकी जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली अपने आप दूर होगी। कि कोई नामुमकिन सी बात को तो मुमकिन करके दिखा, कि कोई नामुमकिन सी बात को तो मुमकिन करके दिखा, अरे खुद पहचान लेगा ये जमाना, तू जरा भीड़ से हटकर चल के तो दिखा। तब तक ले मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।